रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका रिजवान अहमद चातकबाल अपने चैनल में वेलकम और शामदीद कहता हूँ। दोस्तों एक नई अपडेट आप साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्या वाकई चाइना की जो वैक्सीन है उस पर भी हुकूमत इंग्लैंड की हुकूमत करंटीना ख़त्म करने जा रही है? PCR टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा या डेट जो 8 है वो टेस्ट आपने नहीं बुक करना पड़ेगा? इसकी मुकम्मल कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, वो आपसे शेयर करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करें। कुछ प्लेटफॉर्म पर मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ये बात कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जो चाइना की वैक्सीन है वो भी अप्रूव्ड है। जनाब बिल्कुल अप्रूव्ड है, आप चाइना की वैक्सीन लगी हुई है तो अब डबल डोज आपको लगी होनी चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, चाइना की हो या किसी भी कंपनी की हो। अच्छा यहाँ पे थोड़ा फ़र्क वजाहत से देख लें, इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन क्या है कि कुछ लोग वीडियो को फॉलो नहीं करते हैं, पूरा नहीं देखते हैं और बार बार वो फिर क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन करें, हमें इससे कोई अर्ज नहीं है। इंशाल्लाह देखें, टाइम ना होने की वजह से हम आपको जवाब नहीं दे पाते, काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स भी होते हैं, तो हम आपसे बहुत बहुत माजरत करते हैं कि भाई टाइम नहीं होता। आपको पता है कि इस वक्त ट्रैवलिंग के हवाले से काफ़ी रश होता है, तो भाई इसलिए फिर जो है ना हम आपको रिप्लाई नहीं दे पाते। बहरहाल इस वक्त बात करने जा रहे हैं, अगर आपको फाइजर लगी हुई है, मॉडर्ना लगी हुई है, जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, इसके साथ ही आपको जो है दूसरी एस्ट्राजेनेका लगी हुई है, इन चार वैक्सीन से अगर आपको एक वैक्सीन की दो डोज लगी हुई हैं तो जनाब आपको करंटीना नहीं करना होगा। इसके साथ ही आपको PCR टेस्ट नहीं करना होगा। इसके साथ ही जनाब आपको डे 8 जो टेस्ट है वो बुक नहीं करना होगा, कन्फर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं चाइना की वैक्सीन की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको चाइना की वैक्सीन लगी हुई है ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान नंबर लिस्ट हुआ था, उस वक्त से जो कानून पाकिस्तान पर लागू हुआ था उस कानून को फॉलो करते हुए जनाब आप पाकिस्तान से UK के लिए ट्रैवल इजीली कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मैंने देखे दोस्त की यार परेशान है, देखें यार परेशान ना हुआ करें, गूगल पे जाकर सर्च कर लिया करें, देख लिया करें क्या UK की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास मौजूद होती है, उस पर जाकर रीड कर लिया करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी दोस्त की हेल्प लेके आप उसे रीड कर लिया करें, बजाय इसके कि फ़लाँ से पूछ रहे होते हैं या फ़लाँ से। दूसरा, जब आप भाई किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जा रहे हैं तो उससे भी तमाम टर्म एंड कंडीशन पहले उससे पूछें, पहले नोट करें क्या वो टर्म एंड कंडीशन वो बता रहा है जो UK की वेबसाइट से है। मज़ीद उसके पास तमाम टर्म एंड कंडीशन मौजूद होते हैं और उसका फर्ज बनता है ट्रैवल एजेंट्स का कि वो आपको पहले गाइड कर दे, ठीक है। तो काफ़ी सारे दोस्त अगर ये कह रहे हैं ना कि चाइना की वैक्सीन पर करंटीना नहीं करना होगा, PCR टेस्ट नहीं होगा, तो ये बात ठीक नहीं है जनाब। फिलहाल आपको करंटीना भी करना होगा अपना इस पर चाइना की वैक्सीन पर, जो डे 8 डे 2 टेस्ट है ये सारे काम आपने करने होंगे जो ऑलरेडी जो पहले अप्रूव्ड है। बाहर इस वक्त देखने में नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड में जो है चाइना के लोग ही काम आ रहे हैं, तो क्या पता चाइना के लोग आपको पता है जहाँ काम आ जाएँ तो फिर वो चाइना की ही बात चलती है, तो शायद आने वाले टाइम में चाइना के वैक्सीन को भी ये अप्रूव कर दें और कहें कि यार चाइना को जिसकी लगी है उसकी। बहरहाल अब यार ये अगर देखा जाए ना तो हम बहरहाल इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। कोई भी अगर वैक्सीन, सब वैक्सीन का मकसद ये है कि कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना है ताकि इन्फेक्शन से मतलब बच सके, जो कोविड की बीमारी है उससे बच सके, तो भाई क्या चाइना की जिसको वैक्सीन लगी हुई है उससे बीमारी फैलेगी? सोचने की बात है। खैर भारत पाकिस्तान में तो ज़्यादा कसीर तादाद में यही लग रही है, बस जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वैक्सीन लगाई जाती है कि ये कंपनी की लगाएं ये कंपनी। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको तमाम वजाहत समझ आ गई है कि इसके साथ जनाब जो बच्चों के लिए है वो भी आपने हमने PCR टेस्ट के बारे में बता दिया कौन सी एज करवाना है। नहीं देखा तो वीडियो आई बटन मौजूद है, और इंडिया के लिए जो है वो तमाम तर असूल इस पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी अगर रेडियो वाले दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल पर भी मौजूद है, आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई सवाल है आपके माइंड में तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। अपना अपने बैग बहुत सारे याद रखे, दो में याद रखिए, तो अल्लाह हाफिज़।